हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अभी आपके लिए एमसीओ ओलंपियाड वर्कबुक से 21-22 के लिए क्लास 2 के चैप्टर वाइज कंप्यूटर्स पेपर के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने इस वर्कबुक से चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेन मैंने कर दिए हैं, साथ ही इसके एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं और उसे समझा चुकी हूं। आज हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 1। मैं बता चुकी हूं लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं, स्टडी द पैटर्न 1, 2 एंड 3 यूजिंग द सेम पैटर्न, टेल द नंबर्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन पैटर्न 7। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1, 2, 3 पैटर्न को फॉलो करते हुए पैटर्न 7 तक हमें बनाना है और हमें बताना है पैटर्न 7 में कितने स्ट्रॉबेरी रहेंगे। तो पैटर्न 1 में हमारे 7 स्ट्रॉबेरी हैं, पैटर्न 2 में 10 स्ट्रॉबेरी हैं एंड पैटर्न 3 में 13 स्ट्रॉबेरी हो रही है। तो इस प्रकार पैटर्न्स को हम बनाने के लिए इस प्रकार लिखकर करते हैं, नंबर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी इन पैटर्न 1 7 स्ट्रॉबेरी, नंबर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी इन पैटर्न 2 10 एंड नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी इन पैटर्न 3 इक्वल टू 13 स्ट्रॉबेरी। सो द रूल फॉलो इज 7 पैटर्न हमें फॉलो करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 = 16 एंड 16 + 3 = 19, 19 + 3 = 22 एंड 22 + 3 = 25। अर्थात ये सभी नंबर्स में प्लस 3 को हम ऐड करते हुए नेक्स्ट नंबर को प्राप्त कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी इन पैटर्न 7, 25 स्ट्रॉबेरी, यानी पैटर्न 7 में हमें 25 स्ट्रॉबेरी मिलेंगे। सो अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मंजू वॉक सम डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट। मंजू ईस्ट की तरफ थोड़े से वॉक करती है, आफ्टर टर्निंग टूवर्ड हिज राइट और आफ्टर समटाइम्स वो टर्न राइट की तरफ लेती है एंड अगेन वॉक करती है सम डिस्टेंस, वह वॉक करती है अगेन आफ्टर टर्निंग टूवर्ड्स द राइट, फिर वापस वो थोड़ा टहलने के बाद राइट की तरफ मूव कर जाती है। सी वॉक सम डिस्टेंस, उसके बाद वहाँ पर वॉक करती है और फिर स्टॉप हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सो द पाथ फॉलो बाई मंजू, तो मंजू जो है इस ऑप्शंस में से कौन से पाथ को फॉलो करेगी। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस प्रकार डायरेक्शन होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंजू जो है स्ट्रेट ईस्ट की तरफ वॉक करती है, सम स्ट्रेट करने के बाद राइट की तरफ मूव कर जाती है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि राइट की तरफ अगर मूव होगा तो क्लॉक वाइज हम देखेंगे और वेस्ट की तरफ होगा तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक वाइज हम लेफ्ट की तरफ हाथ को मूवमेंट करके देखेंगे और क्लॉक वाइज जब कहा जाए तो हम क्लॉक यानी राइट की तरफ मूवमेंट करेंगे। फिर आफ्टर सम डिस्टेंस वो वॉक करती है, उसके बाद वापस वो राइट की तरफ मूव कर जाती है। तो फिर हमारा ये क्लॉकवाइज इधर हो रहा है तो राइट इधर मूव हो जाएगा थोड़ा मंजू टहल लेने के बाद, उसके बाद क्या करती है स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर वह स्टॉप हो जाती है तो डायरेक्शन हमारा बन रहा है इस प्रकार का। तो ये डायरेक्शन यहाँ से ईस्ट से स्टार्ट करती है मंजू, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ईस्ट की तरफ गई, फिर राइट मूव करती है एंड देन राइट मूव करती है और फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये डायरेक्शन हमारा फॉलो हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए बी सी एंड डी,
इस प्रकार का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में हो रहा है। स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा है, सम डिस्टेंस वो वॉक करती है, फिर राइट की तरफ मूव करती है, फिर देन राइट की तरफ मूव करके स्टॉप हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप इफ थ्री ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डॉल्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप इफ थ्री ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डॉल्स आर फॉर्म्ड। अगर यहाँ पर ये डॉल्स दिए गए हैं, इसमें हमें तीन ग्रुप्स बनाना हो तो तीन ग्रुप्स में से तीन ग्रुप में नंबर्स ऑफ डॉल कितने होंगे। सबसे पहले इसमें हम काउंटिंग करेंगे कि नंबर्स ऑफ डॉल कितने हैं। पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल जो है 12 डॉल्स हैं। हम थ्री ग्रुप्स बनाने हैं तो इसमें हम इस प्रकार थ्री ग्रुप्स बन जाएंगे। तो हर ग्रुप्स में कितने हो रहे हैं, 4 डॉल्स हो रहे हैं। ठीक है, ये कितने ग्रुप्स हो गए, 1, 2, 3 ग्रुप्स, और हर ग्रुप्स में 4 डॉल हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4 डॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम द रूल फॉलो इन ऑल द थ्री फिगर्स। इन तीनों फिगर्स में सेम रूल को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स में कौन से नंबर आएंगे। यहाँ से इस प्रकार एरो दिया गया, तो इधर से स्टार्ट हो रहा है 52, 39, 13 फिर 27, 18, 9 फिर 48, फिर ये नंबर आएगा, देन ये नंबर। तो हम देख सकते हैं 42 - 39 इजकल टू हमारा आता है 13। नेक्स्ट ये नंबर फॉलो हो रहा है 27 - 18 इजकल टू 9। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 - सो इस क्वेश्चन को हम वापस से देखते हैं, 52 - 13 इजकल टू 39 हो रहे हैं। पहले में क्या हो रहा है, 52 - 13 इजकल टू 39। सेकेंड हमारा हो गया 27 - 9 इजकल टू 18। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 - 16 इजकल टू 8 में से 6 गया 2 एंड 4 में से 1 गया 3। तो नेक्स्ट नंबर आ गया 32। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 32। 32 ऑप्शन क्या है, सी का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। इन द गिवन फिगर विच टू टैप आर द सेम लेंथ। इसमें अलग अलग टेप दिया गया है और वन बॉक्स बराबर 1 यूनिट दिया गया है। तो हम देखेंगे कि समान टैप कौन से लेंथ का है। तो सबसे पहले हम टेप देख लेते हैं, ये कितने बॉक्स हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ये हो गए 4 सेंटीमीटर, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले बॉक्स हो गए 6 सेंटीमीटर। देन ये हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाले बॉक्स हो गए 7 सेंटीमीटर एंड ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे हो गए 5 सेंटीमीटर एंड देन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाले ऑप्शन हो गए 7 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से दो टेप जो हैं सेम लेंथ के हैं। ऑप्शन पर हम देखेंगे, ऑप्शन ए में पी एंड एस। पी हमारा हो रहा है 4 सेंटीमीटर एंड एस हो रहा है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सेम लेंथ नहीं है। नंबर टू क्यू एंड आर, क्यू हमारा 7 सेंटीमीटर हो रहा है और आर भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो रहा है। सो दोनों की लेंथ क्या हो रही है, 7 सेंटीमीटर इक्वल हो रही है, सेम लेंथ हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, मिसेस सिन्हा नीड टू ड्राइव टू द मॉल वेयर लाइब्रेरी बाय हर कार फ्रॉम हर हाउस देन गिवन फिगर सोन द रूट सी कैन टेक। यहाँ पे ये मिस्टर सिन्हा
मिसेस सिन्हा का हाउस है, यहाँ पर लाइब्रेरी है एंड यहाँ पर मॉल है। अब मिसेस सिन्हा ड्राइव करके अपने कार से लाइब्रेरी होते हुए अपने घर जाती है, तो कितने रूट से वह ऐसा कर सकती है, इसका आंसर हमें देना है। हाउ मेनी डिफरेंट वे देयर आर मिसेस सिन्हा गो टू द मॉल, मिसेस सिन्हा कितने रास्तों से होते हुए मॉल की तरफ जा सकती है, अपने घर से होते हुए मॉल जाने के लिए वो कितने रास्ते को अपना सकती है। इसको समझने के लिए हम फिगर्स को समझेंगे फिर देखेंगे। चलिए इधर मैंने इसको करके रखा है ए सी बी, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, फिर यहाँ हो जाता है एफ जी एच आई जे। ओके तो हमारा पहला ये हो जाता है ए बी सी डी ई, ये एक रास्ता हो गया है। ठीक है नेक्स्ट हमारा हो जाता है, इसको मैंने इस प्रकार लिख के रखा है, फिर नेक्स्ट हमारा हो जाता है ए बी सी आई एंड ई, फिर ऐसे जाते हुए फिर वो इधर से जाएंगी तो ये रास्ता हो जाएगा ए बी सी आई ई, देन ए बी सी ए बी सी जे ई, फिर हमारा हो जाता है ए एफ सी डी ई, देन ए एफ सी जे ई ए जी सी डी ई ए जी सी आई ई ए जी सी जे ई एंड ए एच सी डी ई ए एच सी आई ई एंड ए एच सी जे ई, इतने रास्तों से होकर वह अपने घर से मॉल की तरफ जा सकती है। सो ये हम काउंट करके देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे इज इक्वल टू 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 12 ऑप्शन हमारा किस में है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, If the given clock follow the certain pattern, then which of the following clocks will continue the pattern? ये चार clocks दिए गए हैं, next हमारा clock, next pattern कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जा रहा है सुई, फिर next यहाँ पर जा रहा है, इसी पे हम इसको करके देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे चला गया। ठीक है फिर next हमारा इधर जा रहा है, फिर next हमारा यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ, फिर यहाँ हो जाएगा, एक मिनट ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा जो हो रहा है 6 and 12, ये 25 पर जा रहा है। ठीक है 25, फिर ये 35 और फिर ये 40 and 45 पर जा रहा है। तो 45 के बाद इसमें हम देख रहे हैं हर क्लॉक में 10-10 मिनट्स सुई जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, यहाँ से 10 फिर ये 10 फिर 10, तो हमारा नेक्स्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सुई इस प्रकार जाएगी 10 मिनट आगे यानी 11 पे जाएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये सुई 11 पे जा रही है, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा ऑप्शन ए, ये सुई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, Which toy cost the least? Number A, option car, rupees 780. B, doll, rupees 695. C, teddy bear, rupees 595. And D, aeroplane, rupees 625. सबसे least cost इसमें से कौन से toys का है? List मतलब सबसे कम दाम कौन से toy का है? So, correct answer is option C, teddy bear. टेडी वेयर कॉस्ट इज द लेस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट टेडी वेयर का, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज हैवीएस्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा भारी है, ए पॉकेट ऑफ टी, पॉकेट ऑफ राइस,
पॉकेट ऑफ बिस्किट या पॉकेट ऑफ शुगर? कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सबसे भारी है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पॉकेट ऑफ टी। हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉकेट ऑफ 350 ग्राम का हो रहा है। नेक्स्ट पॉकेट ऑफ राइस जो है 250 ग्राम 250, पॉकेट ऑफ बिस्किट 200 ग्राम्स हैं एंड पॉकेट ऑफ शुगर 300 ग्राम्स है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? 300 और 400 के बीच में 350, तो पॉकेट्स ऑफ टी जो है सबसे ज़्यादा है। सो करेक्ट आंसर इज पैकेट ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 25। हर्षित सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ सेकेंड ट्यूजडे ऑफ अगस्त। ऑन विच डेट विल वी सेलिब्रेट इट बर्थडे? हर्षित का बर्थडे जो है अगस्त के सेकेंड सैटरडे के नेक्स्ट डे है। तो ऑन विच डे सेलिब्रेट ऑफ बर्थडे, बर्थडे वो कौन सा डे सेलिब्रेट करेगा? तो अगस्त का सेकेंड ट्यूजडे, अगस्त का सेकेंड ट्यूजडे क्या हो रहा है? 11 अगस्त, और ये हो गया 11th अगस्त। और हर्षित जो अपना बर्थडे जो है सेकेंड ट्यूजडे कौन सा हो रहा है? 11 अगस्त, और उसके नेक्स्ट डे वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। 11th अगस्त के नेक्स्ट डे क्या हो रहा है? 12 अगस्त। तो हर्षित बर्थडे अपना सेलिब्रेट कब करेगा? 12th अगस्त को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 12th अगस्त। क्वेश्चन नंबर 26। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज फिगर इज ऑप्शन ए सी एंड डी आर फॉर्म्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइन, वेयर एज फिगर इज ऑप्शन बी इज फॉर्म्ड बाय 5 स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Is 54621 is coded as 12645, then how will be 84379 be coded? So number are written by reverse order in their code. Number by reverse order, इसको reverse order में हम लिखते हैं, तो 1, 2, 6, 4, 5, ये नंबर लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, 1, 2, 6, 4, 5। सो इसी प्रकार ये नंबर अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9, 7, 3, 4, 8। ये ऑप्शन हमारा आ रहा है 9, 7, 3, 8, 4 हो गया, नहीं है 9, 7, 3, 4, 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इज गिवन फिगर, इस स्क्वायर फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? अब हम काउंट करते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड फाइंड द मिसिंग फिगर्स। जो हमें स्लाइड्स एंड इसमें रिलेशन है वही हमें बुक के साथ इसके रिलेशंस को देखना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्कूल बैग, स्लाइड फाउंड इन पार्क एज बुक फाउंड इन स्कूल बैग। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो, ये नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट सीरीज बताना है। तो 20 + 10 = 30, 30 + 10 = 40, 40 + 10 = 50, सो 50 + 10 = 60। सो नेक्स्ट नंबर हमारा 60 हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। आकाश इज फोर्थ फॉर्म ऑफ राइट बट थर्ड फॉर्म ऑफ लेफ्ट इन क्यू, हाउ मेनी पीपल देयर इन क्यू। मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ राइट से फोर्थ
पोजीशन पर आकाश है। यहाँ राइट से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे ये आकाश है एंड लेफ्ट से थर्ड फॉर्म ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड फॉर्म है तो लेफ्ट से 1 2 एंड 3 तो 1 2 एंड 3 पोजीशन पर लेफ्ट से हो रहा है एंड राइट से फोर्थ पोजीशन पे। तो नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पेपल, कितने पेपल हो गए, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर्स ऑफ पेपल हो गए 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन गिवन फिगर, इसमें कितने स्ट्रेट लाइंस हैं। ये फिगर जो हाउस बना हुआ है सभी स्ट्रेट लाइन को ऐड करते हुए बना हुआ है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 26। 33, फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट इस गिवन सीरीज, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करके बताना है। सो हम देख पा रहे हैं ये फिगर जो है, नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं ये इसके अपोजिट हो रहा है तो ये इसके अपोजिट हम फिगर देखेंगे। ब्लैंक फिगर जो है हमारा ये ऑप्शन में हो रहा है, इसके अपोजिट ये फिगर जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, अ ग्रुप ऑफ चॉकलेट ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन चॉकलेट, चार ग्रुप्स बनाना है चॉकलेट्स के, कितने ग्रुप्स बनेंगे। सो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 24 चॉकलेट्स हैं तो ये चार ग्रुप्स हमें बनाना है। तो चार ग्रुप्स में हमें 2 2 4 2 6 एक ग्रुप में हमारे 6 चॉकलेट्स हो जाएंगे। सो और एक ग्रुप से हाँ ये डिवाइड हो जाएंगे, फोर ग्रुप्स हमें बनाने हैं, चॉकलेट नंबर ऑफ चॉकलेट पर ग्रुप्स 6 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड 35, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर, इसमें कौन से शेप्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिसिंग है। ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये हो गया ट्राइंगल, ये सारे रेक्टेंगल हो रहे हैं और ये सर्कल हो रहे हैं। सो ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल ये तीनों शेप्स इस फिगर में है जबकि स्क्वायर जो है हमारा इस शेप में नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आज के लिए इतना है, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएँ एंड इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।